When I'm away. आज हम चिरा बैग आए थे काम से, तो काम से आए तो हमें भूख लगी है। अब हम इंडियन रेस्टोरेंट में, तो यहाँ कोई था नहीं आसपास, तो हम ग्रीक रेस्टोरेंट था, इसी में हम खाना खाने बैठ गए हैं। बाकी हमने वेजिटेरियन है, हम यहाँ पे वेजिटेरियन की ऑप्शन बहुत कम है ग्रीक रेस्टोरेंट में, तो हमने यहाँ पे अपना वेजिटेरियन में उसको पूछा क्या क्या है तुम्हारे पास, तो सिर्फ एक पिथा ब्रेड थे और फ्राइज ग्रीक सैलड, और साथ में सिर्फ एक लज़ानिया उनके पास पास्ता वेजी लज़ानिया था, अवेलेबल था, तो ये चारों चीज़ें हमने मंगा ली हैं। बाकी इनफ है हमारे लिए, खाना ठीक है, खाना अच्छा है, तो ये आपको दिखाता हूँ। ये नहीं है, ठीक है जी, तो चलते हैं और आपको ड्रोन शॉट दिखाऊंगा रास्ते में जाते हुए। लो भाई, खाना हो गया फिनिश, फ्राइज भी हमने ऑलमोस्ट फिनिश कर दी, लज़ानिया पूरा नहीं खाया गया मेरे से, सैलड पूरा खा लिया, ड्रिंक पूरा पी लिया, पेट भर गया है। अब हम चले हैं घर को, और रास्ते में आपको जाते हुए हम दिखाएंगे ड्रोन शॉट। तो गाय जा रहे हैं, रास्ते में रुके, भूख लगी, बनाना लेके आए, यही खाते हैं खाना बनाना। जब से हम इंडिया से आए ना, बनाना कुछ ज्यादा खाने लगे है ना। पीछे रखिए, फ्राइज रखिए, खाना फ्राइज रखा, लज़ानिया रखा,
बहुत अच्छी। इस रोड पे गाड़ी ना बहुत स्लो चलाते हैं सब। क्यों? बहुत अच्छी जगह रुके हम, कितना मन लग रहा है यहाँ पे। मौसम भी बड़ा प्यारा है आज। तो गाइस अब हम आ गए हैं घर पे वापस और दिन बढ़े हैं यहाँ पे। अभी 8:30-9 बजे दिन छिपता है। अगले महीने और 9:30-10 तक हो जाएगा दिन। तो लंबे दिन है आजकल गर्मियों के, काफ़ी टाइम मिलता है घूमने फिरने का। तो जी होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ड्रोन शॉट बड़े अच्छे लगे होंगे आपको, ठीक है। ये जो मैंने आपको दिखाया ये यहाँ पे से वैनकूवर से जाते हुए रास्ते में हाईवे पे, हाईवे 1 पे पड़ती है जगह, एबसपोर्ट और चिलाबैग के बीच में जगह पड़ती है। यहाँ से चिलाबैग को यही 17-18 किलोमीटर रह जाता है। तो बहुत अच्छा व्यू था, मैं भी देख के रिवर साइड व्यू देख के थोड़ा सा इसलिए रुक के वहाँ थोड़ा, मैं कहा चलो यहाँ पे ड्रोन शॉट ले लेते हैं और बैठ थोड़ा हम भी घूम लिए वहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और कमेंट डाल दिया करो, ठीक है। अगर कोई वीडियो में कोई प्रॉब्लम है कुछ है तो मेरे को कमेंट में बताया करो कि क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ इसमें। बाकी मेरी कंटेंट बिल्कुल सिंपल होते हैं, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाती, कुछ नहीं है ना, जो भी बोलता हूँ बस दिल से निकलती है आवाज़, ठीक है जी। तो थैंक यू फॉर सपोर्ट गाइस। और अभी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, रोज़ नए सब्सक्राइबर आ जाते हैं चैनल पे, ठीक है। पर बहुत से लोग देखते हैं पर वो मतलब सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। तो भाई जिस जिसने नहीं किया वो कर लें, और किसी को कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कोई भी किसी भी तरह का कैनेडा से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं उसको आपको पूरी, अगर कोई ऐसी बात है तो वीडियो बना के भी आपको मैं बता सकता हूँ, या किसी अपनी ट्रैवल